नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी के संभल जिले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अपाची सवार बदमाशों ने शराफ को गन पॉइंट पर ले 12 लाख के जेवर और 70,000 की नकदी लूट की। सराफा व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की घटना से हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि पुलिस करीब 5 घंटे तक मामले को छुपाकर गुमराह करती रही और फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। शराफा व्यापारी से शरेआम लूट की वारदात बनिया ठेर थाना इलाके में गुमथल रोड पर बीते बुधवार की शाम करीब 6:45 की है, जहाँ अशोक नगर का रहने वाला शराफा दीपक रस्तोगी ही गुमथल स्थल अपनी दुकान को बंद कर स्कूटी से घर जा रहा था और पीछे से आए अपाचे सवार 3 बदमाशों ने स्कूटी के आगे बाइक लगाकर स्कूटी रोक ली और फिर शराफ की ही कनपट्टी पर तमंचा लगा दिया और 70,000 कैश और 12 लाख से भरा बैग लूटकर वहां से फरार हो गए। आपको बताते चले कि जिसके बाद घटना के बाद ही पीड़ित शराफ ने पुलिस को लूट की जो है वह सूचना दी और 6:30 शराफ ने पुलिस की तहरीर दे दी, मगर पुलिस घटना को घंटे छिपाए रखी और पीड़ित शराफ व्यापारी दीपक रस्तोगी ने बताया है कि उसके साथ लूट की घटना हुई है और इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई और वहीं पुलिस पूरे मामले को काफ़ी समय तक दबाए रखी और अपने अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया है कि पीड़ित व्यापारी ने अपने साथ लूट की घटना बताई है, जो भी तहरीर मिलेगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया है कि लूट की बात बताई गई है और जबकि जेवर कितने रुपए के थे इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। दीपक रस्तोगी निवासी चंदोसी द्वारा बताया गया है कि उनके साथ एक घटना कारित हुई है, जिसमें बैग सवार कुछ लोगों द्वारा उनका बैग छीन लिया गया है। इस संदर्भ में जांच की जा रही है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी तत्काल ही अभी पंजीकृत किया जाएगा और जो भी अपराधी हैं उन्हें तत्काल ही गिरफ्तार करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कितना कैश और कितना ज्वेलरी बताई जा रही है? ये सब पूछताछ की जा रही है, अभी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया है और जो भी वह बताएंगे और वह तहरीर दर्ज की जाएगी। और सर, गुमथल ग्राम गुमथल में मेरी दुकान है। अच्छा, हाँ। और क्या? मैं शाम के समय 5:30 बजे के बाद दुकान बंद करके घर के लिए जा रहा था जी। थोड़ी दूर जाने के बाद में, आधा किलोमीटर जाने के बाद में, पीछे से एक RTR अपाची जी, सफ़ेद रंग की, वो पीछे से आगे उन्होंने मेरे आगे लगा दी और मेरे सर पे तमंचा रख दिया। उसके बाद में उन्होंने मेरा बैग, जिसमें कि 12 लाख का सामान सोना और चांदी था और 70,000 रुपये नकदी और मेरा वॉलेट और मेरा फोन लेके और वो यहाँ से भाग गए। संभल में ग्रामीणों ने अपहरण युवक को बदमाशों के चुंगल से छुड़ाकर और इसके साथ ही मिसाल जो है वो पेश कर दी है। वहीं पुलिस की लापरवाही भी साफ देखने को मिली है। पुलिस ने गंभीर घायल को बगैर मेडिकल कराए परिजनों को सौंप दिया। 2 जिलों का मामला होने की वजह से पुलिस कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। पूरा मामला गन्नौज थाना के ही गाँव लोद की मुड़ैया का बताया जा रहा है, जहाँ पर बीती रात ही आम दिनों की तरह छुट्टा पशुओं के फसल के रखरखाव को तमाम किसान जंगल में गए थे, जहां ईक के खेत में बंधा पड़ा एक युवक किसान को मिला। शुरुआत में किसान उसे नशेड़ी समझे, मगर जब उसके पैर और मुंह बंधे देखे तो फिर हड़कंप मच गया और इस दौरान वहां शोर मच गया और शोर सुनकर ही सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए। किसानों ने उसे बंधक मुक्त किया और युवक के मुंह और पीठ पर बदमाशों द्वारा की गई पिटाई के गंभीर चोटें थीं और ग्रामीणों ने पानी पिलाकर उससे हकीकत मालूम की तो 3-4 दिन पहले उसका बदायूं जनपद से अपहरण का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने मामले की पुलिस को सूचना दी, मगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और ग्रामीण और परिजन अपहरण को लेकर गन्नौज थाना आए, जहां पर पुलिस ने अपहरण से हमदर्दों की दिखाई गई और इसके साथ ही मगर गंभीर घायल अपहरण का पुलिस ने मेडिकल तक नहीं कराया और परिजनों को सौंप दिया। पूरे मामले पर संभल ASP ने बताया है कि ये पूरा मामला बदायूं जिले से जुड़ा हुआ है, इसलिए बदायूं पुलिस ही पूरे मामले की देखेगी। संभल पुलिस का इस मामले से कोई मतलब नहीं है। वहीं 2 जिलों का मामला होने की वजह से संभल पुलिस कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। तो आपको संभल से खबर बता रहे हैं, जहां पर
युवक खेत में मिला है और बताया जा रहा है कि युवक के पैर हाथ बंधे थे और इसके साथ ही युवक को गंभीर चोटें भी आई थी। और वहीं जब ग्रामीण ने खेत में पड़े युवक को देखा तो ग्रामीण ने पहले युवक को नशेड़ी समझा, लेकिन उसके बाद जब उसको उसके हाथ पैर खोले गए तब ग्रामीण को शोर मचाना शुरू किया। और ग्रामीण जब वहाँ पर और किसान वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि युवक का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और युवक को ढूंढ भी नहीं पाई। और ग्रामीणों ने ही अब अपहरण कर हुआ युवक को छुड़वाया है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अब परिजनों को सौंप दिया गया है। मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। आज 2014 से वर्तमान तक मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के ही हमारी सरकार चल रही है, ऐसा कहना है। और 2017 से वर्तमान समय तक योगी जी नेतृत्व में ही हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि हमारी सरकार आने से पहले किस प्रकार की प्रदेश की अराजकता थी और प्रदेश दंगाइयों के प्रदेश बन गया था और तत्कालीन सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। आपने देखा होगा अनेकों बम स्पॉट हुए, संकट मोचन पर बम स्पॉट हुआ और लखनऊ कचहरी में बम स्पॉट हुआ, अयोध्या में बम स्पॉट हुआ और बम स्पॉट करने वाले लोगों के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के तत्कालीन सरकार ने मुकदमे वापस लेने के काम किए। लेकिन धन्य को देश की न्यायपालिका जिनकी सजगता के कारण ये लोग सफल नहीं हुए। अभी लोग बड़ी विकास की बातें कर रहे थे, बड़े बड़े नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चर्चा की, उस समय विकास समाजवादी के कार्यकर्ता का हुआ है और आतंकवादियों का हुआ है, लफंगों का हुआ है, चोरों का हुआ है। और जो गरीबों के अधिकार पर डंका डालते हैं, गरीबों के हितों को लूटने का काम करते थे, उनका विकास हुआ है। आपने देखा होगा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध शून्य के शिखर पर है और तेरे बड़े माफिया दिल का राज चलता था और उन माफियाओं के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है और बड़े बड़े अपराधी आज गले में पट्टी डालकर घूम रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर मत करो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, अपराध छोड़ देंगे और गुंडागर्दी नहीं करेंगे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली थी उनके खिलाफ सरकार काम करने का काम कर रही है। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और हम लोग संकल्प हैं जब तक एक भी अपराधी, एक भी माफिया की कालाबाजारी करने वाले लोग रहेंगे, सरकार उनके खिलाफ जनता के हित में कार्रवाई करने का काम करेंगे। कोई मैनपुरी में कमल खिलने की बात कही है और बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें चुनाव की तैयारी करने का गुरु मंत्र दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम सब चुनाव लड़ते हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांट कर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सक्रियता, मेहनत, अपने वैचारिक कार्यक्रम और हमारी सरकार जो तैयार उनके लेकर हमेशा जनता के बीच में। और इसी खबर पर हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बीजेपी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह ऐसा कह रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस संबंध में आपको बता दूं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से एक विचार, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक विचार लोगों का समूह है। आज 2014 से वर्तमान तक मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, 2017 से वर्तमान समय तक योगी जी नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अराजकता थी प्रदेश में, दंगाइयों का प्रदेश बन गया था और तत्कालीन सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। आपने देखा होगा कि अनेकों बम स्पॉट हुए, संकट मोचन बम स्पॉट हुआ, लखनऊ कचहरी में बम स्पॉट हुआ, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के तत्कालीन सरकारों ने मुकदमे वापस लेने के काम किए हैं। धन में ऐसे ऐसे देश को और न्यायपालिका जिसकी सहजता के कारण आज ये लोग सफल नहीं हुए हैं। जी अरुण यादव, जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी ये भी कह रहे हैं कि जो बाबा का बुलडोजर है वो अपराधियों पर चल रहा है। जी देखिए, इस संबंध में आपको बता दूं जो उन्होंने कहा बन के अगर जो कोई दंगी या कोई अराजकता फैलाएगा या किसी ने कुछ किया तो बाबा जी का बुलडोजर तैयार है, बाबा जी के बजाय, क्योंकि आपने देखा होगा आज प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध शून्य के शिखर पर है, बड़े बड़े माफिया दिल का राज चलता था,
खून माफिया के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है और बड़ी बड़ी अपराधी आज गले में पट्टी डालकर घूम रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर मत करो, हम जेल जाने के लिए तैयार है, अपराध छोड़ देंगे, अब गुंडागर्दी नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है उनके खिलाफ सरकार काम कर रही है। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बाबा जी का बुलडोजर चल रहा और हम लोग संकल्पित हैं कि जब तक एक भी अपराधी, एक माफिया, एक भी कालाबाजारी करने वाले लोग रहेंगे उनके खिलाफ जनता के हित में कार्रवाई करने का काम करेंगे। कोई मैनपुरी में कमल खिलने की बात कही और बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ता को संबोधित करती है, ये बयान दिया है। जी जी भूपेंद्र जी ये भी कह रहे हैं कि हम लोग संकल्पित कि जब तक एक भी अपराधी की माफिया तक कालाबाजारी जो करने वाले लोग हैं वो रहेंगे, सरकार उनके खिलाफ जनता के हित में कार्रवाई करने का काम करेगी, इसमें कितनी सच्चाई देखने को मिल रही है अरुण यादव? देखिए अभी तो उन्होंने बयान दिया है, हालांकि अभी हाल ही में चुनाव होना, 5 दिन में मतदान है क्योंकि डिंपल यादव और लोकसभा का चुनाव होना रघुराज सिंह पार्क मैदान में है, इसी को लेकर लगातार जनसभाएं चल रही हैं, इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये भी बात कहा, अभी लोग बड़ी विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नेताओं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चर्चा का उस समय विकास समाजवादी कार्यकर्ता का हुआ है, आतंकवादियों का और नफंगों का हुआ और चारों ओर हुआ है, और जो गरीब के अधिकारों पर डंका डालते हैं उन गरीबों के हितों को लूटने का काम करते थे उनका विकास हुआ है। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जो चुनाव की तैयारियां करने का गुरु मंत्र दिया गया है उन्होंने, इस गुरु मंत्र में क्या क्या रणनीति देखने को मिल सकती है? हालांकि देखिए हम आपको बता दें सुमन जी की जो मेंटली है कहीं ना कहीं बीजेपी जब से समाजवादी पार्टी आई है लगातार जीतती चली आ रही है, हालांकि बीजेपी ने कभी इस सीट से फतेह हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन अब नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं है, उनके निधन के बाद अब देखना ये होगा आखिरकार जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव लगातार वोट की अपील कर रही है, हालांकि अभी देखने का वक्त होगा, वो तो 8 तारीख के बाद ही जब वोट खुलेंगे तभी पता चलेगा कि हालांकि बीजेपी जीतती है या सपा जीतती है। जी जी बिल्कुल अरुण यादव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। यूपी के जिला बुलंदशहर के तहसील सिकंदराबाद के ही मोहल्ला कैसबाड़ा में ही एक ऐसी नामचीन हस्ती थी और जिनके नामों से वर्तमान में भी 5 संस्थाएं चल रही हैं, उन संस्थाओं का ही मुकंद स्वरूप जतन स्वरूप सुखियात है और इसी संस्था में से एक संस्था JSPG कॉलेज जो है यानी कि जतन स्वरूप पोस्ट ग्रेजुएट संस्था संचालित है और इस संस्था में 22 नवंबर 2022 को JSPG कॉलेज की एक छात्रा के साथ सड़क छाप आवारा मनचलों ने कॉलेज के अंदर घुसकर छेड़छाड़ और बदतमीजी की, जिसके बाद उस छात्रा की आपबीती कॉलेज प्राचार्य द्वारा ना सुने जाने के बाद उसने AVVP संघ के कार्यकर्ताओं से इस बात को बताया, तब जाकर AVVP के कार्यकर्ताओं ने ही 23 नवंबर को जतन स्वरूप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के ही गेट के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें कि AVVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक शिवा पंडित ने बताया है कि इस JSPG कॉलेज में दूसरे समुदाय के बाहरी आवारा मनचलों ने कॉलेज परिसर में घुसकर स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की थी और उसके बाद उस छात्रा ने कॉलेज के प्राचार्य अजय कुमार और अन्य शिक्षकों से बात बताई और कार्रवाई की मांग की, तो कॉलेज के प्राचार्य की तरफ से कोई कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए AVVP के कार्यकर्ताओं ने उन बाहरी आवारा मजनुओं के प्रति कार्रवाई कराने को लेकर नारेबाजी और हंगामा किया है और बताया है कि इस कॉलेज में प्रबंध समिति के अध्यक्ष नितिन भटनागर ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और बताया कि इस कॉलेज की प्रबंध समिति कुछ भी नहीं कर रही है और कॉलेज में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है और RO वाला वाटर कूलर सिस्टम तो पिछले काफ़ी सालों से नहीं लगाया गया है और इसी कारण छात्रों को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। बताया गया है कि इसमें जो प्रबंधक समिति है वो कुछ भी देखभाल और व्यवस्था
नहीं कर रही है, जबकि इस प्रबंधन समिति शिक्षा समिति को किसी प्रकार की कमी नहीं है और इस समिति को दान और आय के काफी स्रोत हैं, और फिर भी ये प्रबंधक महोदय इस कॉलेज की व्यवस्था से हाथ खींच रहे हैं, जबकि प्रबंधक महोदय JSPG कॉलेज के ठीक सामने रहते भी हैं और फिर भी स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बताया गया है कि छात्र संघ का भी धन बहुत अधिक मात्रा में कॉलेज में है और फिर भी कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये प्रबंधक महोदय कॉलेज में जानबूझकर सहयोग नहीं कराना चाहते हैं। और बताया कि इस कॉलेज के शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में नहीं आते और कहते हैं कि छात्रों को बुलाकर लाओ तब हम लोग पढ़ाएंगे। और बताया कि इस कॉलेज में कोई ड्रेस कोड या आई कार्ड का कोई नियम लागू नहीं है, इसी कारण बाहरी दबंग लोगों का आवागमन होता है और आए दिन छेड़छाड़ होती रहती है। यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था एकदम से चरमराई हुई है, इसलिए हमें लोगों ने कॉलेज के प्राचार्य को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ही ज्ञापन सौंपा है। समस्या ये है जो विद्यालय के अंदर, इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का नियम नहीं है, कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है और छात्राओं के साथ में वो छेड़खानी करके जाता है। कल की घटना है, एक छात्रा के साथ में यहाँ पे छेड़खानी हुई है। बाहर के व्यक्ति आते हैं जिनको यहाँ से भी कम 6 साल पहले वो विद्यालय से निकल चुके हैं और आज वो विद्यालय के आते हैं, छात्राओं के साथ में छेड़खानी करते हैं। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र सिकंदराबाद में हिंदू जागरण मंच के ही जिलाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक शख्स द्वारा शरीर के टुकड़े करने जैसे भड़काऊ वीडियो को देख नगर कोतवाली में ज्ञापन देकर मुकदमा दर्ज करा जेल भेजने की मांग की है। श्रद्धा हत्याकांड पर 35 नहीं 36 टुकड़े होने की वायरल वीडियो को देख हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने आरोपी पर कठोर कार्रवाई कराने की मांग उठाई है और जिला बुलंदशहर में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसे देखकर और सुनकर आम आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वायरल वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रहा है कि किसी संवाददाता द्वारा इंटरव्यू में श्रद्धा हत्याकांड के बारे में जानकारी लेते समय राशिद खान नाम के व्यक्ति से पूछा गया कि आपको मृतका श्रद्धा के 35 टुकड़ों के बारे में क्या कहना है, तो खान बोला कि यदि मैं गुस्से में होता तो 35 की जगह 36 टुकड़े कर देता और टुकड़े करना कोई बड़ी बात नहीं, चाकू से दनादन टुकड़े किए जा सकते हैं। इस प्रकार के भड़काऊ और उत्तेजित करने वाली वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होते देखकर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर नगर कोतवाली में जाकर राशिद खान पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने को लेकर एक तहरीर नगर कोतवाल के ही नाम के क्राइम इंस्पेक्टर इमाम जैदी को दी है और जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर खान को जेल भेजने की गुहार भी लगाई गई है। हिंदू जागरण मंच ने बताया है कि इस वीडियो को वायरल करने का उद्देश्य हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उनको भड़काने के लिए किया गया है, ताकि हिंदू समाज में इस वीडियो को देखकर और सुनकर दहशत का माहौल पैदा किया जा सके। और बताया कि इस तरह के वीडियो को देखकर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है और ऐसी वीडियो देखकर और सुनकर समाज की महिलाओं में भय व्याप्त होने की भी संभावना हो सकती है, इसलिए लोगों में रोष पनप रहा है। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने भड़काऊ वीडियो वायरल करने वाले राशिद खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए एक तहरीर नगर कोतवाली में कोतवाल अखिलेश त्रिपाठी की गैर मौजूदगी में क्राइम इंस्पेक्टर इमाम जैदी को दी गई है। और मामले को लेकर SSP श्लोक कुमार सिंह ने बताया है कि वीडियो दिल्ली में ही बनाया गया है और इस पूरे मामले को लेकर हमारा प्रयास जारी है और हमारी टीमें जांच पड़ताल में जुट गई हैं और जल्द ही राशिद नाम खान के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर यह मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो जो है वो वायरल किया गया है। यह भी जानकारी सामने आई है कि इसमें हिंदू के धर्म को लेकर इसमें बात उठाई गई है और इसके साथ ही कहा गया है कि जो इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान एक व्यक्ति ने श्रद्धा को लेकर बयान दिया है, उसने कहा है कि श्रद्धा 35 टुकड़ों के बारे में
जब उससे पूछा गया कि क्या कहना है तो खान ने यह कहा कि यदि मैं गुस्से में होता तो 35 की जगह 36 टुकड़े कर देता और टुकड़े करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाकू से दनादन टुकड़े किए जा सकते हैं। ऐसा बयान देने के बाद सोशल मीडिया पर अब हड़कंप मच गया है और इस प्रकार के भड़काऊ और उत्तेजित करने वाली वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होते देखकर हिंदू जागरण मंच भी अलर्ट नजर आ रहा है। बता दें आपको कि जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर नगर कोतवाली में जाकर रशीद खान के मुकदमा पर ही जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया है और जेल भेजने को लेकर एक तहरीर जो है वो भी दे दी गई है। बताते चले आपको कि क्राइम इंस्पेक्टर इमाम जैदी को भी जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर खान को जेल भेजने के लिए गुहार लगाई गई है। हिंदू जागरण मंच ने बताया है कि इस वीडियो को वायरल करने का उद्देश्य हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उनको भड़काने के लिए किया गया है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है और प्राथमिक जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि यह वीडियो दिल्ली में बनाया गया था। इसमें एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को बुलंदशहर का बता रहा है, उसके बारे में जानकारी करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सहारनपुर जिले में एक साथ कई स्थानों पर चल रही इनकम टैक्स की बड़ी रेड सामने आई है। बता दें आपको कि सूत्रों की माने तो शहद व्यापारी और प्रसिद्ध सीए के मकान पर अहमद बाग नट बोल्ट का काम करने वाले भाटिया के मकान पर पहुंची हुई इनकम टैक्स की टीम ने छानबीन शुरू कर दी और हर एक मकान पर करीब 4 से 5 गाड़ियां मौजूद रही हैं। आईटी की टीम वहां पर पहुंची। आपको बता दें कि सहारनपुर जिले के अब तक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स की रेड जारी है। आपको बताते चले कि शहर के कई प्रसिद्ध बड़े डॉक्टर भी इनकम टैक्स की रडार पर नजर आ रहे हैं और वहीं सहारनपुर थाना स्तर बाजार क्षेत्र में ही मौजूद हकीकत नगर के ही शास्त्री नगर में भी कक्कड़ के मकान पर में छापेमारी की गई है और घर भी जो है सुबह 6 बजे से घर पर छापेमारी की गई और इनकम टैक्स की जबरदस्त छापेमारी मौके पर ही इनकम टैक्स की 6 गाड़ियां मौजूद रही, भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। हरदोई में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध और अपराधियों और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 4 बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर दिया है। उनके पास से 30 लाख के करीब की स्मैक बरामद कर ली गई है और इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हरदोई में पुलिस अधीक्षक हरदोई के आदेश अनुसार अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर के ही नेतृत्व में जनपद सीतापुर में हुई घटना के बाद चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत ही SOG स्पॉट और सर्विलांस और इसके साथ ही कोतवाली शहर की संयुक्त टीम द्वारा 4 शातिर अपराधियों को ही 30 लाख रुपए की कीमत की 305 ग्राम स्मैक सहित एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर में एक आपराधिक घटना हुई थी, उसी के तहत जनपद हरदोई में ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया जिसमें कल 23/24 की रात में 4 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से कुल मिलाकर के लगभग 305 ग्राम प्योर स्मैक बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए होगी। इसमें से 2 अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी पता लगा है, एक मून उस्मानी करके है यहाँ जनपद का, इसके विरुद्ध चोरी और छेड़छाड़ गैर आदि NDPS के ढेरों मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर अलीगढ़ के ही नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री के संबोधन वाले स्थान पर अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP और कलानिधि नेथानी और इसके साथ ही जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा एक औचक निरीक्षण किया गया और जिसमें अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि अधिकारियों ने कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी और किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो पाए इसको लेकर पंडाल को कई सेक्टरों में बांटा गया है। लगभग 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कल हो रहा है यहाँ पर अलीगढ़ का जो कृषि प्रदर्शनी मैदान है, यहाँ पर वो प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे और लोकोपयोगी की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यही कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके मद्देनजर यहाँ पर
व्यवस्थाएं वो पूर्ण की जा रही हैं, तो हम समय से पूर्ण कर लेंगे। फरुखाबाद में सामने आया मामला जहां पर कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चला है। बता दें आपको कि सैकड़ों बीघा जमीन पर काफी लंबे अरसे से कब्जा जमाए अवैध कब्जे दारू पर ही बाबा का बुलडोजर चला है और विख्यात बाबा नीम करौली धाम को जाने वाले रास्ते अतिक्रमण कर कई मकान बनाए गए थे और भारी पुलिस बल के साथ SDM और तहसीलदार लेखपाल कानून को और कई थाने फोर्स लेकर अवैध रूप से बने मकानों पर बाबा का बुलडोजर अब चल गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक ओर अवैध कब्जों को लेकर सख्त नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर ललितपुर जनपद में ही सरकारी भवनों पर अवैध कब्जों की भरमार जो है वो देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर की तहसील मड़ावरा की, जहां के ग्राम गिदवाहा में ही दबंग ग्रामीण द्वारा ही पंचायत भवन पर पिछले 18 सालों से अवैध कब्जा किए हुए हैं। अवैध कब्जाधारी सरकारी भवनों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी भवनों की कब्जे की जानकारी सरकारी महकमे को ना हो, सारी जानकारी होने के बाद भी सरकारी कर्मचारी उक्त कब्जेधारियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। जनपद ललितपुर के ही कई ग्रामीण क्षेत्रों में ही सरकारी भवनों पर अवैध कब्जे हैं, जो सरकारी भवनों पर कई वर्षों से अवैध कब्जे जमाए हुए हैं और वहीं गांव के ही ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी लेखपाल वीडियो भी इस मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो पंचायत भवन है वो हमारे 10 साल पहले से रहता है वो, और उस पर हम अभी 1.5 साल हुए केवल प्रधान मने, इसलिए उस पर आप कहो तो हम कार्रवाई करेंगे। हम कौन होते हैं क्योंकि आप जनप्रतिनिधि है, सरकारी भवन जितने भी है वो क्योंकि सरकारी है तो उस पर इस तरह से जो है कब्जा होना और आप के जो है इस तरह से जो है कुछ ना कहना कहीं ना कहीं करता है कि आप भी उसके साथ मिले हुए। नहीं, उसमें क्या है कि वो 10 साल पुराने से रह रहा है और इसके बाद अगर ऊपर से हमें आदेश आउट तो हम निकलवा भी सकते हैं उसको। और इसी खबर पर हमारे साथ ललितपुर से संवाददाता रुपेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, जिस तरह से मामला सामने आया अवैध कब्जा को लेकर, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो है जनपद ललितपुर में सरकारी भवनों पर अवैध कब्जे के मामले उजागर हो रहे हैं। उसी क्रम में जो है जनपद ललितपुर के जो है तहसील मड़ावरा पड़ती है, वहां पर एक गांव है गिदवाहा, जहां पर जो है लगभग 15 से 18 वर्ष से एक गांव के ही दबंग व्यक्ति का सरकारी भवन पर अवैध कब्जा है, जिसको लेकर जब इस संबंध में जब हमारी ग्राम प्रधान से बात होती है तो वो कहते हैं कि जो है अगर आप कहें तो हम उसको खाली करवा देते हैं। आखिर इस बात का मतलब क्या है ये हम जानना चाहते हैं। उसके बाद जो है जब इसकी जो है शिकायत जब वीडियो बाहर से होती है, उनसे जो है जब बात करने का प्रयास किया जाता है तो वो साफ तौर पर कह देते हैं कि ये जो मामला है ये हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। जी जी रुपेश, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। जिस तरह से ललितपुर से खबर सामने आई है जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवन पर अवैध कब्जा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वहीं पर बातचीत करने से लोग कतराते हुए नजर आ रहे हैं। अमेठी में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा घमासान मचा है। कांग्रेस की अंतकला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष खाबरी के सामने खुले मंच पर त्याग पत्र की पेशकश की जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल ने कार्यकर्ताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खुले मंच से प्रदीप सिंगल ने कई कमियां गिनाई हैं जिसे नाराज प्रदीप सिंगल दिखाई दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।